और भाई एमवीपी हम ही बने हैं, क्योंकि देखो तो हमने 1,02,000 तक का डैमेज करा है, 1,02,000। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मैं तुम्हें चारिज़ार्ड का एक बहुत ही ऑसम बिल्ड बताने वाला हूँ, एंड इस बिल्ड में सीरियसली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई तुम 1,00,000 से ऊपर तक का डैमेज करोगे। सीरियसली बता रहा हूँ, 1,00,000 से ऊपर तक का। मैंने अभी 3-4 मैचेस इस बिल्ड के साथ खेले और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसने हर मैच में 1,00,000 से ऊपर तक का डैमेज करा है। तो यार लेट्स गो। और यार मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं इस बिल्ड में क्या आइटम्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मसल बैंड, स्कोप लेंसेज और साथ ही साथ अपनी वीकनेस पॉलिसी, क्योंकि यार देखो वीकनेस पॉलिसी बहुत सही है। जितना हमें डैमेज पड़ेगा उतना ही हमारा जो डैमेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यार इट्स रियली गुड। और स्कोप लेंस से तो हमारा भाई क्रिटिकल डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। हम ज़रा ऊपर वाला फार्म लेकर आते हैं ताकि भाई दूसरे अपोनेंट टीम के परफॉर्मर ना ले ले, जैसे कि आ चुके हैं। और भाई मैंने मसल बैंड इसमें इसलिए लिया है क्योंकि देखो तो हमारी अटैक स्पीड कितनी तेज़ हो गई है यार, हम कितनी जल्दी जल्दी मार पा रहे हैं। और साथ ही साथ यार इसका गैसली भी आ चुका है इसकी टीम का, तो थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो ये गैसली और ये एल्जगॉस मिलकर मार देंगे। और यहाँ पे भाई ये गेबल तबाही मचा रहे हैं, इस गेबल की तो ऐसी की तैसी। भाई इसे बताते हैं असली ऑलराउंडर कौन है भाई। और यार देखो अभी अभी चारिज़ार्ड का एक बहुत ही बढ़िया बफ आया है, जिसके कारण जो चारिज़ार्ड है ना वो मूव करते करते यानी कि चलते चलते अपना फायर ब्लास्ट और फ्लेम थ्रोर मार सकते हैं। तो हाँ आज की बिल्ड में मैं यही आइटम इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो बड़े ही ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से इस बिल्ड को इस्तेमाल करूँगा। और यार इस एपॉम को ऐसी किसने छोड़ रखा था यार, इसलिए हमने ले लिया है। और इस वाले भाई इसको तो हम स्पाम नहीं करने देंगे, इस क्वीन वाले ग्रुप को और कॉम्बी वाले ग्रुप को। भाई ये गैसली हम कर लेंगे स्पाम, नो वरीज। और भाई यहाँ पे भाई 3-3 पोकेमॉन बरसे हुए हैं, फिर भी भाई हमने ले लिया, हमने 3 पोकेमॉन ले लिए, सो रियली गुड। देखो यार तुम उनका जितना फार्म चुरा सको ना, मतलब उन्हें भाई फार्म करने ही ना दो और मरो भी मत कि भाई तुम उनका फार्म चुराने के चक्कर में मर गए, तो वैसे ही तुम उन्हें लेवल अप दे दोगे। और हम बन चुके हैं 4 मिलियन, तो फिर यार इसे जल्दी जल्दी से मारते हैं। और यार मैं तुम्हें एक और टिप देता हूँ कि जब भी तुम्हारी ऐसे HP कम हो ना, तो फिर कभी भी 1-on-1 जाकर सामने सामने मत भिड़ो। दूर दूर से अगर तुम्हें एक रेंज पोकेमॉन हो तो मार दो, और अगर सामने हील मिल रही है तो फिर जल्दी से हील लेकर अपने पोकेमॉन की अपनी टीम के मेंबर की मदद करने चले जाओ। जैसे कि अभी मैं थोड़ी से दूर दूर से मार रहा था और हील जब सामने ही थी तो फिर मैं हील जाके ले लिया मैंने। और भाई अब गोल कर देते हैं क्योंकि एल्जगॉस तो जा रही है डर के मारे। ये इसने पहली हार मान ली भाई कि भाई 4 मिलियन से मैं नहीं निपट सकती, ऑलरेडी 4,000 बहुत ज़्यादा ओपी बन चुका है। क्योंकि देखो यार हम मूव करते करते फ्लेम थ्रोर मार पा रहे हैं, सोचो मूव करते करते, तो यार अगर कोई पोकेमॉन भाग भी रहा होगा ना हमसे, तो फिर हम मूव करते करते उसे फ्लेम थ्रोर से पीछे से ही उड़ा देंगे, सो इट्स रियली गुड। और अभी 7:20 पर वो कॉम्बी वाला ग्रुप आने वाला है, इतने हम इन दो पोकेमोनों को जल्दी जल्दी से फार्म करते हैं, क्योंकि यार देखो मसल बैंड के कारण ना जो चारिज़ार्ड है वो बहुत ही जल्दी जंगल कर सकता है। इसलिए अगर तुम कोई जंगल बिल्ड बनाकर अगर चारिज़ार्ड का लाओ ना, तो फिर तुम बहुत जल्दी जल्दी जंगल कर सकते हो और अपने चारिज़ार्ड को चारिज़ार्ड बहुत जल्दी बना सकते हो। सो हियर वी गो, ये वाला ग्रुप आ चुका है, लेकिन ये पोकेमोन भाई हमें नहीं लेने देंगे। चलो हमने एक ले लिया है, जितना चुरा सकते हो चुरा लो जैसे कि मैंने कहा। और यार देखो फायर ब्लास्ट जो है ना वो तुम मूव करते करते मार सकते हो। यार सोचो तुम्हारे पीछे कोई पोकेमोन पड़ा है, तुम भाग रहे हो और इतने में तुमने फायर ब्लास्ट भी मार दिया, उसकी स्पीड भी स्लो हो गई, उसका डिफेंस भी कम हो गया, और तुमने उसे फिर भाई भागते भागते ही फ्लेम थ्रोर से उड़ा दिया। सो इट्स रियली गुड, 4,000 को इन लोगों ने बहुत बढ़िया बना दिया, मतलब ऑलरेडी बहुत बढ़िया था लेकिन अब तो और ज़्यादा बढ़िया बना चुके हैं। एंड भाई रैबूट तेरी ऐसी की तैसी, अभी मैं तुझे बताता हूँ। देखो यार भागते भागते हम फ्लेम थ्रोर और फायर ब्लास्ट मार सकते हैं। देखो मैंने भागते भागते इसकी स्पीड स्लो कर दी, डिफेंस कम कर दिया और फिर मैंने इसे उड़ा दिया, सो इट्स रियली गुड यार। तो यार 4,000 को अगर तुमने अभी तक नहीं खरीदा, वैसे AG/ आने वाला है 10 February को, तो यार AG/ को तुम खरीद सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो फिर तुम खरीद सकते हो 4,000 को, सो नो वरीज। एंड भाई ये मार दिया हमने इस एल्डगॉस को। देखो यार जो एल्डगॉस है ना वो बहुत ज़्यादा ही अंडररेटेड भाई सपोर्टर है, लेकिन भाई एल्डगॉस को अगर कोई अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे ना, तो फिर भाई अपनी टीम को वो जितवा सकता है यार, किसी भी अटैकर के साथ वो रहेगी और फिर उसे आराम से भाई इतना एडवांटेज पहुंचा सकती है ना वो टीम को। सीरियसली मैं उस पर भी जल्दी एक बहुत बढ़िया बिल्ड लाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। एंड भाई मैंने इस गेंगार को देखा, ये ड्रीम ईटर और शैडो बॉल का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अभी पिछले बिल्ड में ही ये गेंगार का बिल्ड बताया था, एंड सीरियसली भाई उसमें कितनी हमने तबाही मचाई थी, तो मेरे को पता है भाई ये गेंगार क्या कर सकता है इस बिल्ड के साथ। लेकिन ये वाला गेंगार इतना अच्छा नहीं खेल रहा। देखो यार हर बंदे पर मैटर करता है, अगर वो एकदम अच्छी तरीके से खेले ना एक बिल्ड के साथ, तो फिर वो बहुत तगड़ी तरीके से खेल सकता है। तुम मेरा वो बिल्ड देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, ठीक है, तो फिर उसे जरूर से जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, तुम्हें भी भाई गेंगार से प्यार हो जाएगा। भाई गेंगार बहुत बढ़िया लगेगा तुम्हें भी। फिर भाई मार दिया सिंड्रेस को, और भाई ये सिल्वियन को भागने नहीं देंगे, इसे भी मार देंगे, देखा। इसलिए यार ये एडवांटेज बहुत बढ़िया है भाई। देखो हट जाओ, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, जैसे कि मैंने कहा मैंने भाई इस गेंगार का ड्रीम ईटर और शैडो बॉल वाला बिल्ड ट्राई करा था, एंड वो बहुत सीरियसली बहुत बढ़िया है।
एंड जल्दी से देखो यार, यहाँ पे दो दो पोकेमोन आ रखे हैं, तो थोड़ा सा पीछे हट हट के फाइट करेंगे। एंड क्या हम इससे बच पाएंगे? एंड देखो यार, हम बच गए। देखा फायर ब्लास्ट का कमाल, हम भाग रहे थे और पीछे हमने फायर ब्लास्ट मारा, उनकी स्पीड स्लो कर दी। एंड हियर वी गो, हम बच गए। और यार ऊपर चलते हैं जल्दी से, क्योंकि यार ऊपर कोई डिफेंड ही नहीं कर रहा है, ये फार्म करने में लगे हुए हैं, ये नहीं देख रहे ऊपर सिंड्रेस गोल पे गोल डाले जा रहे हैं यार। तो हमें जाना पड़ेगा भाई इस सिंड्रेस को देखने के लिए। और यार देखो, हमेशा ना घासों को ऐसे चेक करते करते जाया करो। और भाई इस सिल्वियन ने तो अपना यूनिट मूव भी वेस्ट कर दिया, देख रहे हो यार, ऐसे यूनिट मूव वेस्ट होते हैं। सोचो मतलब लोग ऐसे यूनिट मूव वेस्ट कर देते हैं यार, तो फिर एकदम ध्यान से और केयरफुली अपना यूनिट मूव इस्तेमाल किया करो। ओके एंड जल्दी से भाई अपना जितना फार्म हो सकता है उतना फार्म करके चलते हैं। भाई ऊपर सिल्वियन डाल तो रही है यार, लेकिन नीचे हमारी टीम बरसी हुई है, तो फिर उन्हें थोड़ा और सपोर्ट पहुँचा देते हैं, थोड़ा यहाँ पे इनकी मदद कर देते हैं, है ना। तो यार चलो जल्दी से, क्योंकि भाई वहाँ पे गार्चोम्प और साथ ही साथ उनका गेंगार आ रखा है, तो यार ये नहीं, गेंगार तो हमारा है, और साथ ही साथ उनकी एल्जगॉस आ रखी है, तो फिर यार ये बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकते हैं। क्योंकि भाई अभी गार्चोम्प का रिसेंटली बफ आया है, एंड गार्चोम्प को सीरियसली इतना ओपी बना दिया ना, इतना ओपी कि भाई बस तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जल्दी से गोल को कर कर हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि भाई ऊपर रोटम आ चुका है, नीचे एक्चुअली ड्रेडनो भी आ चुका है, तो जल्दी से करते हैं। चलो यार ड्रेडनो तो ये लोग ले लेंगे, हम थोड़ा सा इस गेंगार को परेशान करके हम ऊपर चलते हैं यार, क्योंकि ऊपर कोई सा भी पोकेमोन नहीं है, एंड हमें रोटम भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये मिस्टर माई मैन गेंगार तो हमारे आई रखे हैं, वो ड्रेडनो को ले लेंगे। अब जल्दी से टेलीपोर्ट करके ऊपर चलते हैं, और भाई उन लोगों ने ले लिया भाई, रोटम को ले लिया, और उन्होंने गोल पे गोल गोल बरसा दिया। तो जल्दी से चलते हैं भाई, 26 गोल डाल दिए सिंड्रेस ने, सिल्वियन ने भी डाल दिए होंगे, एंड लेट्स गो यार। सिंड्रेस की ऐसी कैसी, इसे बताते हैं ना कौन असली फायर टाइप पोकेमोन है यार। एंड दूसरी टीम ने भाई ड्रेडनो ले लिया, मतलब मैं वहाँ से आया क्या, उन लोगों ने तो भाई ड्रेडनो ही ले लिया। चलो यार कोई नहीं, ऊपर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भाई यहाँ पे ये सिल्वियन भाई छः गोल डालने के लिए इसने इतना रिस्क लिया, एंड भाई सिल्वियन को मार दिया। देख रहे थे भाई कितना ज़्यादा डैमेज पहुँच रहा था, और मसल बैंड के कारण तो ये इतना जल्दी जल्दी अटैक कर पा रहे हैं और इतना क्रिटिकल डैमेज पहुँच पा रहे हैं इस स्कोप लेंस की वजह से। तो फ्री यार इस बिल्ड को ज़रूर से ट्राई करना है, ये बिल्ड बहुत ऑसम है। एंड चलो यार थोड़ा बहुत फार्मिंग कर करके ऊपर चलते हैं, और चलो यार जल्दी से, क्योंकि भाई हमें अपने उसकी मदद भी करनी है। वहाँ पे सिल्वियन भी आ चुकी है, जल्दी से इसको फार्म करके हम चलते हैं भाई। सिल्वियन की ऐसी की तैसी, हम अभी सिल्वियन को बताते हैं, पहले इसे जल्दी से ले ले यार, क्योंकि यार देखो ये ना बहुत ज़्यादा लेवल बूस्ट देते हैं। अब वो अपने आप आ जाएगा, देखा अपने आप आ गया। तो फिर यार फायर ब्लास्ट को तुम इस तरीके से इस्तेमाल किया करो, एंड अभी इसके साथ ही चलते थोड़ा बहुत। और यार ऊपर सिल्वियन आती है, सिल्वियन को जल्दी से मारो भाई, 5 का गोल भी नहीं करने देखे। देखा कितनी जल्दी खत्म कर दिया यार इसे, कितनी जल्दी खत्म कर दिया। तो फिर यार जल्दी से अब थोड़ी देर के लिए इसके साथ ही रहते हैं, एंड भाई सिंड्रेस आ चुका है, इस सिंड्रेस की ऐसी की तैसी अभी बताते हैं इसे, एंड भाई गया। देखा कितनी जल्दी जल्दी हम खत्म कर दे रहे हैं इसे, क्योंकि भाई चारिज़ार्ड का डैमेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना। और यार अब इस गोल को डालकर हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गेंगार भाई गोल डालने गया है, जल्दी से चलते हैं यार अब वहाँ पर। और चलो चलो चलो, वो डाल देगा भाई, डाल दिया उसने, वैसे 6 का गोल ही डाला है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, भले ही उसने हमारा गोल जोन डिस्ट्रॉय कर दिया हो, इसे हम मार देंगे भाई। इसने यूनिट मूव चला दिया ना, हम भी अपना चला देंगे, देखते हैं भाई। देखा इसे मार दिया भाई, ग्रेनेड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी यार, यूनिट मूव क्या करता है रे। और यार देखो अब ज़ैप्डोस आ चुका है ना, इसे लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, हालांकि ये ग्रीन निंजा ले रहा है फिर भी लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम इसे लेने की कोशिश करोगे और फिर भाई पूरी गेम पलट सकती है, इसलिए यार इसे बस डिफेंड करो। ओके अब यहाँ पर कोई गोल डालने आएगा तो फिर उसे रोक देंगे, है ना। तो फिर थोड़ी देर तक हम यहीं पर इंतज़ार करते हैं। अब चलो यार उस गार्चोम को थोड़ा पेल कर आते हैं, है ना, क्योंकि यार वहाँ पर रह रहे के तो भाई पक गया था मैं। एंड भाई इस गार्चोम को खत्म करते हैं, एंड कर दिया भाई। चलो अब रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो फिर रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है, एंड चलो यार हम जीत चुके हैं हर बार की तरह, और हम MVP बने हैं। ओके नाइस, वेरी नाइस, क्योंकि अब देखो इस बिल्ड में भी मैंने बहुत ही तगड़ा डैमेज किया होगा, वो पता नहीं कितना किया है, लेकिन देखते हैं जल्दी से कि कितना डैमेज किया है यार। एंड या ओ भाई साहब मिस्टर माइम को देखो, 5 मेडल्स मिले हैं, एंड सबसे ज़्यादा किल्स भी हमारे ही है शायद, हाँ 14 किल्स है। ओके वेरी नाइस, और डैमेज देखते हैं कि हमने कितना किया है। और भाई साहब, ओ भाई साहब देखो, 1,02,000 डैमेज करा है और 2,000 ही हमने सिर्फ रिकवरी करी है। तो यार इस बिल्ड को ज़रूर से ट्राई करना, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।